भारत सरकार का जो नीतिगत फैसला लेते हुए रेलवे का जो निजीकरण और निगमीकरण करते हुए रेल का अस्तित्व खत्म करने का जो नीति अपनाए जा रहे इसके विरुद्ध पूरा नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे में NFIR के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी मायरा फैशन स्वामी कॉम्प्लेक्स अनवेगा मॉल अजमेर प्रदर्शन के तहत ये GCA चौराहे पे उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ द्वारा ये विरोध प्रदर्शन और भारत सरकार का पुतला जलाने का काम हमने किया है कि इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार को चेताना चाह रहे रेल की वास्तविक स्थिति उसका सुधार के दिशा में काम न करते हुए बल्कि निजी हाथों में सौंपने का रणनीति तैयार किया जा रहा है। इस बहुत साधारण भाषा में बोले तो पहले बदनाम करो उसके बाद उसको मारो, ये सिद्धांत भारत सरकार द्वारा रेलवे के प्रति अपनाए जा रहे हैं। क्योंकि पहले रेलवे को बदनाम किया जा रहा है, रेल कर्मचारी काम नहीं कर रहे, इस तरह से बदनाम करते हुए भ्रम फैलाते हुए कि रेल को निजी हाथों में बेचने का एक माहौल तैयार करने का जो कार्य भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। साथियों, वास्तविकता क्या है? बहुत से ज़्यादा प्रतिवर्ष रेल कर्मचारी अपना जान अपना ड्यूटी के निर्वहन के बीच में गंवाता है। 35,000 करोड़ रेल यात्रियों से अगर रेलवे को घाटा हो रहा है उसके कारण रेल कर्मचारी नहीं बल्कि भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा विभिन्न सब्सिडी है। तमाम सब्सिडी सांसदों को, MLAs को, अधिकारियों को, सीनियर सिटीजन को, फिजिकल हैंडीकैप्ड हो और सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के लिए बहुत सारे सब्सिडी के नाम सर लगभग 25,000 करोड़ रुपये रेलवे खर्च कर रहे, उसको देखे बिना किराए बढ़ाना एक राजनीतिक एजेंडा बन गया। इन तमाम चीज़ों को हाइड करते हुए इसको छिपाते हुए केवल रेल कर्मचारी और रेलवे का काम पे सवाल निशान उठाते हुए बदनाम किया जा रहा है, उसके तहत इसको खत्म करने का इसको मारने का एक भूमिका तैयार किया जा रहा है। इसके खिलाफ रेल कर्मचारियों में आम जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए उद्देश्य से उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ द्वारा ये आज मैंने बताया उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ वाला GCA चौराहे पर सभी कर्मचारी एक होकर भारत सरकार का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन करके सरकार को आगाह करने का काम किया। मैं SI जैकब मंडल अध्यक्ष UPRMS अजमेर। आज यहाँ पे UPRMS उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा सरकार के विरोध में एक गेट मीटिंग यहाँ की गई है चौराहे पर, जिसमें सरकार का पुतला जलाया जा रहा है। उसके पीछे मूल भावना ये है कि सरकार ने जो कर्मचारी विरोधी जो नीतियाँ अपना रही है और उसके कारण से धीरे धीरे सभी क्षेत्र सरकार के जो अंडरटेकिंग है या जो सीधे तौर पर सरकार के नियंत्रण में उसका निजीकरण करने जा रही है उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सरकार ने पिछले एक माह के अंदर जो 7 प्रोडक्शन यूनिट है उनको धीरे धीरे करके निजी क्षेत्रों में देने का जो नीति बनाई है और उसका जो क्रियान्वयन किया है उसके विरोध में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और सरकार का विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही सरकार ने धीरे धीरे कर्मचारियों की जो पद है उनको नहीं भरने का काम किया और ये जताने का काम किया कि जो कर्मचारी वो काम नहीं कर रहे हैं इसलिए काम हम ठेके पे दे रहे हैं। जैसे सफाई व्यवस्था है, अस्पताल में डॉक्टरों की भर्ती नहीं करी और डॉक्टरों की भर्ती नहीं होने के कारण अस्पताल के अंदर मरीज जाते नहीं है, उससे उन्होंने दिखा दिया कि हॉस्पिटल में बेड ऑक्यूपेंसी नहीं है इसलिए हॉस्पिटल को बंद कर दो। इसी तरह जो स्टेशन के ऊपर उन्होंने स्टाफ लगाया नहीं, ECRC बुकिंग बंद कर दी और प्राइवेट के ऊपर जो नेट बैंकिंग के थ्रू टिकट बुक हो रहे हैं वो बोल रहे हैं कि स्टेशन पर टिकट बुक नहीं हो रहे इसलिए ECRC का कैडर भी खत्म करके इन्होंने IRCTC को दे दिया। तो धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से चरणबद्ध तरीके से सरकार सभी क्षेत्र के जो संस्थान हैं उन सबको प्राइवेटाइजेशन करने का काम कर रही है और ये जताते हुए कि कर्मचारी काम नहीं करते इसलिए प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है। तो इस नीति का विरोध करने के लिए हम लोग सब यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं। कहाँ पे जलाया पुतला आपने आज? पुतला GC चौराहे पे जलाया है सरकार का, सरकार भारत सरकार का। शशि कुमार महावर मंडल सचिव UPRMS अजमेर।